हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के कुछ सीन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 जो है वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड बना दिया जा रहा है। हॉलीवुड के बहुत से रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। व्यूज़ का जो 125 मिलियन से भी ज़्यादा उसके व्यूज़ हो गए और लाइक्स जो है दोस्तों 6 मिलियन से ज़्यादा हो गए। ऐसे में दोस्तों आज हम केजीएफ चैप्टर 2 के कुछ सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों हम इंडियंस में दोस्तों एक बहुत ही बुरी बात है, जब कोई इंसान सक्सेस की ओर ऊपर जा रहा हो ना तो उसका पैर पकड़कर नीचे खींच देते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है केजीएफ चैप्टर 2 के इस टीजर के साथ। दोस्तों हमारे यहाँ के कुछ महारथियों ने यह दावा किया है कि केजीएफ चैप्टर 2 में कुछ सीन्स है जो कि कॉपीड है, जो कि अदर मूवी से कॉपी किए गए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले उन महारथियों के लिए एक शाबाशी देते। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से सीन है जो इन महारथियों को लगता है कि कॉपीड है। आपने केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर तो देखा होगा, जिसमें श्रीनिधि शेट्टी जो टीजर में एक थाली लेकर खड़ी होती है। तो कुछ लोगों ने इस सीन को कॉपी बताया है दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती से, जहां पे वो कुछ कपड़ा लेकर ऐसे खड़ी होती है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इन जो महारथियों है, अभी मैं यहाँ पे गाली नहीं दे सकता इसलिए उनको महारथी कहता हूँ। आप समझ जाओ कि मैं उनको कौन सी गाली दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन महारथियों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्ट्रेस जब किसी फिल्म में अगर ऐसे थाली लेकर खड़ी हो जाए या फिर कैमरा का एंगल मान लो अगर ऐसा आ जाए, तो क्या वो फिल्म का सीन कॉपी है? पहली बात तो कॉपी मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिल्म के क्रिटिक्स आप नहीं है, आपको नहीं पता कि फिल्म की लैंग्वेज में कॉपी किसे कहते हैं, वो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। और दूसरा सीन है दोस्तों, जहां पे यश यानी कि रॉकी भाई एक मशीन गन लेके गाड़ियों को उड़ाते नजर आ रहे। ऐसे में दोस्तों इस सीन को भी कॉपी बताया है अपने सलमान भाई की फिल्म टाइगर जिंदा है से। मशीन गन लेकर बाहर आते और धाड़ 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 करके सबको उड़ा देते। वाह भाई, इस सीन को तुमने कॉपी बताया भी तो किसके सीन के साथ? सलमान खान के। अब एक और सीन की बात करते हैं, जहां पे रॉकी भाई जो है मशीन गन चलाने के बाद अपनी सिगरेट जो है वो मशीन की नाली से उस सिगरेट को जलाते हैं। कुछ महारथियों ने इस सीन को भी कॉपी बताया, एक हॉलीवुड की कोई पुरानी फिल्म है वहां का पोस्टर वहां पे डाल दिया और कहा कि रॉकी भाई ने इस फिल्म से कॉपी किया है। अब यहाँ पे आप वो पोस्टर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तीन लोग हैं और ये तीन लोगों का सिगरेट जलाने का तरीका आप देख सकते हो कि वो कितने चू नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे रॉकी भाई जिस स्टाइल से सिगरेट जला रहे हैं, ऐसे में दोस्तों उन महारथियों की जल गई, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कॉपी नाम का ड्रामा क्रिएट किया। अब उन महारथियों का ये कहना होगा कि जो फिल्म के डायरेक्टर है वो कई और फिल्में देखकर यहाँ पे फिल्में बना रहे, यानी कि अपनी चीजों को हम लोग बढ़ावा नहीं देते, हम अपनी चीजों को हॉलीवुड के साथ कंपेयर करते। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों का बजट जो होता है वो 1000 करोड़ का होता है और हमारे यहाँ पे फिल्में बनती है 100-200 करोड़ में, लेकिन फिर भी उसकी सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन और एक्टिंग हॉलीवुड को टक्कर देने जैसी होती है। तो सोच लो, सिर्फ 200 करोड़ में बनी फिल्म हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है, तो अपनी अगर 1000 करोड़ की अगर फिल्म बनेगी तो हॉलीवुड वाले हमें टक्कर नहीं दे सकते। उनकी फिल्मों का बजट बहुत होता है, हमारी फिल्मों का बजट कम होता है, फिर भी हमारी फिल्में उन्हें टक्कर देती है। ऐसे में दोस्तों वो हमसे पीछे है, हम उनसे नहीं, इसलिए प्लीज बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर जो भी इंडियन मूवीज होगी उसे हॉलीवुड के साथ कंपेयर मत करना। वो जितना पैसा वहां पे खर्च करते उससे 60-70 गुना कम पैसा हम यहाँ पे खर्च कर उन्हें टक्कर देते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाहुबली मूवी, आप सबने देखी है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फिल्मों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो या फिर कोई सीन कॉपीड बताने की कोशिश मत करो। देखो दोस्तों, अगर किसी मूवी में किसिंग सीन है और वैसा ही किसिंग सीन 1000 मूवी में किया जाता है तो आप कहोगे कि वो 1000 मूवी ने कॉपी किया है। अगर कोई सीन में कोई एक्टर अगर थाली लेकर खड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो सीन कॉपी किया है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी मतलब यानी कि फिल्म लैंग्वेज में कॉपी का मतलब होता है दोस्तों कि फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करना। जैसे कि अगर बात करें बॉलीवुड की वॉन्टेड, जो पूरी से पूरी साउथ की फिल्मों से कॉपी किया गया है, रावड़ी राठौड़ जो साउथ की फिल्मों से कॉपी किया गया है फ्रेम बाय फ्रेम, तो उसे कहते हैं कॉपी। अगर फ्रेम बाय फ्रेम रहेगा तो ही कॉपी होता है।
वरना सीन बाय सीन नहीं होता है। जब मैंने दोस्तों ऐसे कुछ ट्वीट्स पढ़े, ऐसे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ मैंने फोटोज देखे तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा इस पे वीडियो तो पक्का ही बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, क्या सही है या गलत, या आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही नए अपडेट, फिल्मों से रिलेटेड नए नए अपडेट मैं आपको देता रहूं। जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मेरे अंदर और मोटिवेशन नहीं आएगा, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट नहीं ला पाऊंगा। जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, और हम सबको आगे बढ़ना है, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।